मैं अपने हर एक वीडियो में अनमोल को दिखाता हूँ, यानी कि ये मेरा बेटा है। लेकिन क्या आपको पता है मेरी एक बेटी भी है जिसको आज मैं पहली बार वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि ये दोनों ट्विन्स है, यानी कि जुड़वा भाई बहन। साथ ही आज मैं अपने दुकान का भी नाम रिवील करूंगा। तो आप चलो आज का ये ब्लॉग मेरे ट्विन्स बच्चों के साथ शुरुआत करते। लेकिन आज का मौसम देख के ऐसा लग रहा है कि शुरुआत होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि देखो ना सुबह 3-4 बजे से लेकर अभी तक ये सिमसिम बारिश से आ रहा है, और इसके वजह से मैं बाहर ठीक से निकल भी नहीं पा रहा हूँ। ऊपर से ये बेचारे ठंड में कप रहे है, जिनको कुछ ही दिन पहले पुराने घर से लाया था। बेचारे अगर झुंड में होते तो इनको उतना ठंड नहीं लगता, लेकिन आज ये सिंगल है ना, तो इसीलिए इनको थोड़ा ठंड लग रहा है। बट फिर भी देखो कैसे चिपक के सो रहे हैं, मतलब इनको भी पता है कि अगर हम लोग चिपक के सोएंगे तो हमको उतना ज्यादा ठंड नहीं लगेगा। देखो कितना ज्यादा समझदार है ये लोग। खैर जैसे मैं यहाँ से निकल के अंदर की तरफ आया तो मेरी कांची ने मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बनाया, जिसको ये ठंडी ठंडी मौसम में पीने का मजा ही कुछ और था, इसीलिए तो मैं बाहर का फील लेते हुए इसे पीने लगा। फिर मेरी मम्मी भी अपने पोते के सामने बैठ के दिया बाती काटने लगे, जिसे भागवत में जला जाएगा, क्योंकि कुछ ही दिन बाद हमारे गांव में भागवत लगने वाला है। तो आप देखो मेरा गोलगप्पा भी सो चुका है, जिसका 9 मंथ कंप्लीट हो चुका है, और इसी खुशी में मैंने सोचा है कि कुछ छोटा मोटा सेलिब्रेशन करते हैं, बट क्या होगा पता। लेकिन उससे पहले हमें खाना तो खाना पड़ेगा, इसलिए मेरी कांची ठंडी ठंडी मौसम में बहुत सारा चावल लेके आई और इसे बारीकी से देखने लगी। बट तभी मैंने अपनी मौसी के घर की ओर नजर मारा तो हमारा मौसी का घर चमक रहा था। इसे चमकाने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि ये भैया है, जो मुंह से बोल तो नहीं पाते है बट काम इतना अच्छा करते है कि देखो ना उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से पेंटिंग किया है, यूं मान लो घर का पूरा लुक ही चेंज कर दिया। एंड हमारी मौसी का घर हमारी बगल पे है, यानी कि वो रहा हमारा घर, जो दिखने में बहुत बड़ा है बट चमक नहीं रहा है। और देखो मेरी मौसी का घर कितना अच्छा चमक रहा है। खैर हम भी धीरे धीरे करेंगे, अपना घर को भी चमकाएंगे। उससे पहले चलो इनका खेत दिखाता हूं। ये देखो इसमें मकई का खेती, पंपकिन का खेती, साथ ही कुछ सुपारी के पेड़ भी है, और भी कई सारी चीजें लगाया गया है। बट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग तो मुझे पंपकिन लग रहा है, जो मुझे पसंद तो बिल्कुल भी नहीं बट देख के अच्छा लगा। अब चलो मैं वापस बारिश में भीगे भीगे अपना घर आ चुका हूँ, तो मेरा गोलगप्पा भी उड़ चुका है एंड ये अभी नींद से उठा है, तो बहुत बोरिंग फील कर रहा है। बट इतना बोरिंग होने के बावजूद भी ये बीच बीच में मुस्कुरा रहा है। फिर इधर मेरी कांची सब्जी बनाने की तैयारी करने लगी, यानी कि आज हम खाएंगे अंडा कड़ी। तो इधर दाल बन के रेडी हो चुका है, जिसे अब बस तड़का लगाना बाकी है, और ये गया तड़का लगने। देन इसने अंडा भी फ्राई किया, और इतना काम करके जब ये बाहर आई तो इसने आते ही कान कर दिया, यानी कि ये जो बाबू का बैठने वाला गुड़िया था इसका इसने कान ही तोड़ दिया। बेचारा बहुत ही सुंदर था, जिसको मेरी बहन ने गिफ्ट किया था, बट कोई ना इसे वापस से सिलाई कर देंगे। बट देखो ना यार, इसे कोई चीज मिला नहीं कि सीधा मुंह में डालता है, और अब तो ये बलून भी नहीं छोड़ रहा है। और मेन चीज तो यही है कि आज हमारा बाबू 9 मंथ कंप्लीट हो चुका है, यानी कि ये पैदा हुआ था, कब पैदा हुआ था, 20 जून को पैदा हुआ था, मतलब मुझे उतना याद नहीं रहता है, बट हाँ 20 जून को पैदा हुआ था ये, और आज ये फाइनली 9 मंथ का कंप्लीट हो चुका है, मतलब 9 मंथ इसका पूरा होके अब ये 10 महीने में चलने वाला है। ओके तो आज ये काफी ज्यादा खुश है। ये देखो ना डेकोरेशन कैसे करेगी, ये देखो ना ये सामान भर के यहाँ पर मैंने रख दिया है। अब ना मैं इस सामान को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ, ये मेरा सारा का सारा दुकान का सामान है। बट भाई कसम से बोल रहा हूँ, मेरा दुकान कब रेडी होगा और कब मैं इसको सेटल करूंगा यही सोच रहा हूँ। ऊपर से मम्मी भी मुझे डांटती है, पिताजी भी आते हैं कि तूने क्या करके रख दिया, घर का हालत क्या बना दिया। और कभी कभी मेहमान लोग भी आते हैं, मतलब मेरे घर में तो लोग आते जाते रहते हैं, कभी कभी मेरे सब्सक्राइबर भी आते हैं, तो कभी कभी हमारे मेहमान लोग भी आते हैं, बट उनको ना मतलब ये सब दिखा के मतलब थोड़ा हमें भी शर्म आता है ना गंजी, थोड़ा मतलब अजीब सा लगता है कि क्या सोचेंगे यार, इतना गंदा करके रखा है। और आप लोग भी सोचते होंगे कि भाई इतना बड़ा यूट्यूबर का घर देखो कितना गंदा है, ये सुबह सुबह मुझे यही कह रही थी कि तुमने क्या करके रखा है ये। बट अभी देखो यार कुछ दिन का टाइम है, बस जैसे मेरा दुकान हो जाएगा तो मैं इसको सेटल कर दूंगा, देन फिर ये सारा सामान निकल जाएगा। और ये काफी ज्यादा रूम भी काफी ज्यादा गंदा था, बट अब साफ किया तुमने, हाँ तो थोड़ी बहुत इसने साफ कर दिया। बट अभी हम लोग बाबू का 10 मंथ मतलब कि 9 मंथ का डेकोरेशन करेंगे। डेकोरेशन अभी हम लोग कहाँ करेंगे ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ऑफिस रूम पे करेंगे, गेस्ट रूम पे, मतलब हम लोग ऑफिस रूम भी कहते हैं गेस्ट रूम भी कहते हैं, तो हमारा गेस्ट रूम यही है, तो इसी में हम लोग करेंगे अभी बाबू का डेकोरेशन। और देखो ये क्या देख रहा है तू, क्या देख रहा है, हाँ क्या देख रहा है, ये ले बताना। फिर मेरे लिए कांची ने खाना परोसा तो मैं जल्दी जल्दी इसे खाने लगा, क्योंकि इसके बाद मुझे कई सारे काम करना है, जैसे कि अब मैं अपना थार लेके मिस्त्री को पैसा देने दुकान की ओर जा रहा हूँ। और आज बारिश वाली मौसम है तो हम दोनों ही साला जिला थार में जा रहे हैं, क्योंकि बाइक में थोड़ा ज्यादा ही ठंड लगता है और ऊपर से हम भीग भी जाएंगे। पहले मैं जाता था इधर का रास्ता होके, बट आज मैं जाने वाला हूँ इधर का रास्ता होके, यहाँ पे कैसा बनाया पता नहीं, आज पूरा कीचड़ है ना, तो इसीलिए मैं इधर से नहीं जाके इधर से जा रहा हूँ। ये भी वैसे खेती है, ये भी वैसे खेती है, बट इधर कुछ ज्यादा ही कीचड़ होता है, तो
आज मैं इधर से ट्राई करने वाला हूँ, पता नहीं। चलो आप चलते हैं और देखते हैं कि इधर कैसा क्या है। और देखो बारिश की वजह से थोड़ा थोड़ा कीचड़ होना शुरू हो चुका है, और जब कीचड़ होने लगता है ना तब मैं अपनी गाड़ी को वॉशिंग करवा करवा के थक जाता हूँ, क्योंकि काली गाड़ी है ना तो कुछ ज्यादा ही धूल मिट्टी पकड़ती है तो देखने में भी बुरा लगता है, और ऊपर से जब गाड़ी गंदी होती है तो मेरे से ज्यादा घर वाले परेशान होते हैं। जितना भी कीचड़ चढ़ जाता है 4x4 है भाई, और 4x4 लेने का यही फायदा है। लेकिन फिर भी यार अपना गाड़ी में जब कीचड़ उछलता है ना तो थोड़ा बुरा लगता है, और इसको धोने में भी काफी मेहनत लगता है। मैं ही धोता हूँ अपना गाड़ी में, ज्यादातर मतलब वॉशिंग सेंटर में नहीं ले जाता हूँ, क्योंकि आपको भी पता है ना कि वॉशिंग सेंटर में केमिकल वगैरह लगा के वॉशिंग किया जाता है तो गाड़ी के कलर में इफेक्ट आने लगता है, और ऊपर से मैंने तो 1,20,000 रुपए का PPF करवा रखा है, तो सोचो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। खैर फाइनली मैं बातें करते करते खेत से निकल चुका हूँ और फाइनली अपने दुकान पे भी आ चुका हूँ। ये रहा नेशनल हाईवे जिसमें बहुत सारी गाड़ियां वाड़ियां चलती रहती है, तो इसी के बगल पे यूको बैंक और यूको बैंक का ATM भी है, तो वो रहा मेरा दुकान। और इधर के साइड देखो कितना बढ़िया लोकेशन है। चलो अब अंदर चलते हैं। सबसे ऊपर वाला फ्लोर पे साफ सफाई का काम चल रहा है, तो यही सब देख वेख के मैं वापस अपने घर की तरफ निकल गया, क्योंकि अब मुझे जल्दी जल्दी घर जाके अनमोल का 9 month सेलिब्रेशन करना है। अब चलो फाइनली मैं अपना घर आ चुका हूँ। वैसे काफी ज्यादा बारिश आ रहा है तो थोड़ी बहुत भीग भी चुका हूँ, एंड गाड़ी के अंदर था तो उतना ज्यादा नहीं भीगा हूँ, बट अगर मैं बाइक लेके जाता तो भाई काफी ज्यादा भीग जाता। अरे अरे तू भी रेडी होके बैठी है, क्यों रेडी होके बैठी है? बाबू का 9 month सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हाँ, और ये देखो ये गोलगप्पा को, हाँ 9 month भी सेलिब्रेशन करना है ना, मैंने तो केक कुछ भी नहीं लाया। नहीं अभी बर्थडे पे हम लोग केक काटेंगे, ओके, और पूरा 12 महीने का 12 केक ही कट कर देंगे इसका, है ना, 12 केक खा पाएगा। हाँ गोलगप्पू, ये देखो आज ये काफी ज्यादा खुश है, ये अपनी बुआ के साथ सुबह से लेके अभी तक खेल रहा है ये। चल कर सोया नहीं है, चल इसको रेडी कर दे, इसको भी रेडी कर दे, देन फिर हम लोग डेकोरेशन करेंगे 9 month का, और थोड़ा सा सेलिब्रेशन जैसा हम लोग करेंगे। चलो आप लोगों को दिखाता हूँ क्या कुछ होता है, ओके, चल जल्दी। फिर इन लोगों ने जो मेरे साथ प्रैंक किया ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, यानी कि अचानक मेरा साला आके मुझे कहता है कि जीजा जी आपका फोन मुझे दो और आप बाहर ही रहो। देन इन लोगों ने बाबू को अंदर ले जाके जो किया ना वो देख के तो मैं खुद ही सुहाग रह गया। देखो ना मेरी छोटी बहन और कांची ने मिलकर इसे लड़की बना दिया, और सच में यार इसको तो लड़की के ड्रेस में भी काफी अच्छा लग रहा है, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे ही बना के कहीं ले जाऊँ तो हर कोई इसे लड़की ही कहेगा। आखिर इतना करने के बाद ये लोग मुझे बुलाते हैं। कांची ये कौन है? हमारी जुड़वा बेटी। जुड़वा बेटी? अनमोल की छोटी बहन। अनमोल की छोटी बहन, इतनी बड़ी हो गई हाँ तू भी। ये देखो गाइस आज तक हम लोगों ने इसको नहीं दिखाया था। ये चश्मा मत खोलना। अरे 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 इतना शरारती है हाँ तू, हाँ अनमोल तो शरारती है, ये तू भी इतना शरारती है। हाँ देखो ये चश्मा लगा के ये कैसी हो चुकी है हमारी बेटी। ये रही गाइस, आज तक मैंने इसका फेस रिवील नहीं किया था, लेकिन आज फाइनली मैंने आज इसका फेस रिवील कर दिया है। ये भी बहुत शरारती है, बिल्कुल अनमोल की तरह ही है ये। हाँ तू भी शरारती है हा? मेरी बेटी। इसका नाम क्या था कांची? मैंने बोली अनिका। ये देखो ओहो, इसने चश्मा भी खाना शुरू कर दिया। हाँ अनमोल और अनिका देखो हमारी जुड़वा बेटी है गाइस। ये वाले देखो ये ऐसी हो चुकी है, बिल्कुल बेटी की तरह लग रही है गाइस ये भी। हाँ लेकिन ये देखो हम लोग ने आप लोगों को कभी बताया नहीं था लेकिन छोटी बहन भी है अनमोल का। अनमोल का छोटी बहन भी है, बस इसका बाल नहीं है पीछे, बिल्कुल अनमोल की तरह है। देखो यार मतलब लिटरली यार पूरी लड़की की तरह दिख रहा है ये। लड़की है क्या? लड़की था। लड़की होते होते लड़का हो गया ये, ऐसा लग रहा है मेरा बच्चा। चलो चलो अब इसको हम लोग 9 month खत्म, बर्बाद करता, बाय बाय। देखो सुसु करके खत्म कर दिया इसने, अब कुछ नहीं करेगा। चलो अब इसने ड्रेस तो बर्बाद कर ही दिया, और हमारे पास सिर्फ एक ही लड़की का ड्रेस था, वो भी मेरे भैया की बेटी का यानी कि आयशा का। देन मैं इसे थोड़ी देर इधर उधर फुसदाने लगा तो अंदर मेरी कांची होली का डेकोरेशन करने लगी, क्योंकि यार बहुत जल्द होली भी आ रहा है, तो ऊपर से आज मेरा बाबू का 9 month भी कम्प्लीट हो चुका है, तो हमने सोचा कि चलो इसी बीच होली का भी सेलिब्रेशन करते है और बाबू का भी। एंड देखो कांची ने होली के बीच इन छोटे छोटे फूलों से कितनी अच्छी तरीके से 9 भी बना दिया। देन जो होली का वो था उसमें बाबू को बिठा दिया तो ये रोने लगा, और इसे फुसदाने के लिए जैसे हमने एक फूल तोड़ के दिया तो इसने इसको भी नहीं छोड़ा। अब हम लोगों ने इसका कुछ क्लिप और फोटो वोटो ले लिया है, वैसे हम लोग मतलब कुछ सेलिब्रेशन ही करने वाले थे, बट ये नहीं देता। ओ ये देखो भी चीजें दे दो, ये खा लेता है, कितना फूल खा दिया इधर। क्या आदमी है तू, इधर आ जा, आ जा बेटा, आ जा मेरा बेटा, जा। और होली का हम लोगों ने इसलिए सेलिब्रेशन किया क्योंकि होली बहुत जल्द आने वाला है, तो अब चलो मेरा बेटा भी खुश है, बेटी भी खुश है।